सबसे पहली चीज कि एडिक्टेड ब्रेन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी शख्स जो नशे की बीमारी में मुब्तला है, हम उसके ब्रेन को एडिक्टेड ब्रेन कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहां पर नशे के काफी ज्यादा टॉक्सिन्स जो है वो थ्रू द ब्लड, जो ब्रेन भी एक फीड अपनी लेता है ग्लूकोज की फॉर्म में, तो वो ब्लड से ही सक करता है. सो जब वो अपना खुराक सक कर रहा होता है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स भी वो सक करता है जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डिस्टर्ब करते हैं, अमेंडुला पे अफेक्ट करते हैं, हमारा फैसला करने की जो सलाहियत है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं. सो जितना भी ये दोनों जो मरकज हैं, खासतौर पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमेग्डला जो है, उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी का निजाम बेहतर बनाने के काबिल होते हैं, लाइफ में तरक्की करने के काबिल होते हैं, बेहतर फैसले करने के काबिल होते हैं, सोचने समझने के काबिल होते हैं, चीजों में सही और गलत की पहचान करने के काबिल होते हैं. लेकिन जब हम एडिक्टेड ब्रेन की बात करते हैं तो एडिक्टेड ब्रेन इन तमाम चीजों से पीछे हटकर किसी और ही सोच में गुम होता है और कुछ और ही विद जो है वो कर रहा होता है. सो नशे के मरीज जो हैं वो साइलेंटली भी बहुत सारी बातें अपने आप से करते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं कि ये जो नेक्स्ट जॉइंट है, नेक्स्ट ड्रिंक है, ये मैं क्यों लेने लगा हूं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं. और वो तमाम की तमाम वजूहात, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि मुस्बत नोयत की होती है. और इसी तरह से बाज़ूकात फैमिली के सामने भी उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, जब फैमिली कोई टैबलेट का फ्लिप ले लेती है उसकी पॉकेट में से, या फिर कोई ज्वाइंट उसके पास से निकल आता है, या उसके कपड़ों से स्मेल आती है, या उससे शराब की स्मेल आती है. फैमिली जब भी इंक्वायरी करेगी तो वो कोई ना कोई ऐसी मुस्बत बातें बता रहा होगा कि उसने अगर किया है तो क्यों किया है, या फिर वो साफ तौर पे इनकार करने की तरफ भी जाता है. सबसे पहली चीज जो कि कोई भी नशे का मरीज अपने आप से बार बार कहता है, साइलेंटली भी और बाज़ूकात लाउडली दूसरों से भी कहता हुआ नजर आता है, वो बार बार खुद से कहता है कि ये जो नशे या शराब या दीगर नशे हैं, ये मेरे मसाइल की जड़ नहीं है. फैमिली बात कर रही होती है कि तुम ये जो नशा कर रहे हो उससे मसाइल आ रहे होते हैं, वो अपने ब्रेन को तसल्ली इन तरह दे रहा होता है कि ये जो मैं नशे कर रहा हूं, मेरी लाइफ में जितने भी मसाइल हैं, नशों का और मसाइल का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. मसाइल मुझे इसलिए पेश आ रहे हैं क्योंकि मेरा जॉब बड़ा टफ है. सबसे पहली चीज कि एडिक्टेड ब्रेन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी शख्स जो नशे की बीमारी में मुब्तला है, हम उसके ब्रेन को एडिक्टेड ब्रेन कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहां पर नशे के काफी ज्यादा टॉक्सिन्स जो है वो थ्रू द ब्लड, जो ब्रेन भी एक फीड अपनी लेता है ग्लूकोज की फॉर्म में, तो वो ब्लड से ही सक करता है. सो जब वो अपना खुराक सक कर रहा होता है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स भी वो सक करता है जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डिस्टर्ब करते हैं, अमेंडुला पे अफेक्ट करते हैं, हमारा फैसला करने की जो सलाहियत है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं. सो जितना भी ये दोनों जो मरकज हैं, खासतौर पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमेग्डला जो है, उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी का निजाम बेहतर बनाने के काबिल होते हैं, लाइफ में तरक्की करने के काबिल होते हैं, बेहतर फैसले करने के काबिल होते हैं, सोचने समझने के काबिल होते हैं, चीजों में सही और गलत की पहचान करने के काबिल होते हैं. लेकिन जब हम एडिक्टेड ब्रेन की बात करते हैं तो एडिक्टेड ब्रेन इन तमाम चीजों से पीछे हटकर किसी और ही सोच में गुम होता है और कुछ और ही विद जो है वो कर रहा होता है. सो नशे के मरीज जो हैं वो साइलेंटली भी बहुत सारी बातें अपने आप से करते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं कि ये जो नेक्स्ट जॉइंट है, नेक्स्ट ड्रिंक है, ये मैं क्यों लेने लगा हूं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं. और वो तमाम की तमाम वजूहात, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि मुस्बत नोयत की होती हैं. और इसी तरह से बाज़ूकात फैमिली के सामने भी उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, जब फैमिली कोई टैबलेट का फ्लिप ले लेती है उसकी पॉकेट में से, या फिर कोई ज्वाइंट उसके पास से निकल आता है, या उसके कपड़ों से स्मेल आती है, या उससे शराब की स्मेल आती है. फैमिली जब भी इंक्वायरी करेगी तो वो कोई ना कोई ऐसी मुस्बत बातें बता रहा होगा कि उसने अगर किया है तो क्यों किया है, या फिर वो साफ तौर पे इनकार करने की तरफ भी जाता है. सबसे पहली चीज जो कि कोई भी नशे का मरीज अपने आप से बार बार कहता है, साइलेंटली भी और बाज़ूकात लाउडली दूसरों से भी कहता हुआ नजर आता है, वो बार बार खुद से कहता है कि ये जो नशे या शराब या दीगर नशे हैं, ये मेरे मसाइल की जड़ नहीं है. फैमिली बात कर रही होती है कि तुम ये जो नशा कर रहे हो उससे मसाइल आ रहे होते हैं, वो अपने ब्रेन को तसल्ली इन तरह दे रहा होता है कि ये जो मैं नशे कर रहा हूं, मेरी लाइफ में जितने भी मसाइल हैं, नशों का और मसाइल का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. मसाइल मुझे इसलिए पेश आ रहे हैं क्योंकि मेरा जॉब बड़ा टफ है, मसाइल मुझे इसलिए पेश आ रहे हैं क्योंकि मुझे घर में प्यार नहीं मिला, मसाइल मुझे इसलिए पेश आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा वे आउट नहीं है, अच्छे फ्रेंड्स नहीं है जिनसे मैं अपने दिल की बात करूं, सो इसलिए मैं नशे करने की तरफ जाता हूं. मरीज का जो जहन है
वो इवेंट्स के दरमियान कड़ी जो मिलाने का काम है वो नहीं कर सकता। फर्ज करें कि अगर 2 दिन पहले वो शराब के नशे में धुत्ता और उसकी लड़ाई जो है वो कुछ लोगों से हो गई, तो वो उसको कंसिडर करेगा कि उन्होंने मुझे कुछ कहा, गुस्सा दिला दिया, इस वजह से मैंने शराब पी। दूसरे 2 दिन के बाद उसको उसका जो बॉस है वो लेट आने पे डांटता है, और लेट वो इस वजह से था चूंकि वो रात को नशे की हालत में था, सुबह जल्दी उठ के वो नहीं ऑफिस में जा सका। सो इन दोनों जो इवेंट्स हैं इनके दरमियान वो कड़ी बिल्ड नहीं कर सकता कि पहला जो वाक्या हुआ उसमें भी मैं नशे की हालत में था, दूसरा जो वाक्या हुआ वो भी नशे की वजह से ही था क्योंकि मैं नशे में था इस वजह से हुआ, बल्कि वो उसको बाहर कहीं तलाश करता है वजूहात को कि मेरा बॉस बड़ा टफ है, वो थोड़ी भी रिलैक्सेशन नहीं देता, बंदा लेट हो ही जाता है, या लोग जो हैं वो मुझे गुस्सा दिला देते हैं जिसकी वजह से मेरा लड़ाई झगड़ा उनके साथ होता है। नशे को वो अपने मसाइल का हल कंसिडर नहीं करता, और यही बात वो बारहा अपने जहन को भी बताता जाता है कि ये जो मेरी जिंदगी में मसाइल हैं जो हर रोज बढ़ते चले जा रहे हैं, इनकी बुनियादी वजह मेरे रिश्तेदार हैं, इनकी बुनियादी वजह सोसाइटी है, इनकी बुनियादी वजह गवर्नमेंट है, इनकी बुनियादी वजह मेरी वाइफ है, इनकी बुनियादी वजह मेरे पेरेंट्स हैं, इनकी बुनियादी वजह हमारा जो जॉब का सिस्टम है, या इसकी बुनियादी वजह हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, लेकिन मेरे नशों के साथ इन मसाइल का कोई कनेक्शन नहीं है। सो ये कंपैरिजन जो है वो हर टाइम पेशेंट ना सिर्फ अपने आप को देता रहता है, बल्कि जब फैमिली भी सवाल उठाती है कुछ चीजों पे, कुछ ऐसे इवेंट्स पे जो कि वो उनके लिए एम्बैरेसिंग होते हैं या डैमेजिंग होते हैं या तकलीफदा होते हैं, तो वो उन्हें भी तसल्ली देता रहता है कि मेरे हालात काफी बेहतर हैं, आपको पता नहीं है कि जो लोग सड़कों पे पड़े होते हैं वो नशे के मरीज होते हैं। सड़कों वाले मरीजों के पास आप जाएं तो वो कहते हैं कि मेरे हालात काफी खराब है, आपको पता नहीं है कि अभी ये जो किसी का एक्सीडेंट हो गया हुआ नशे कर करके, या जिसने जो इंजेक्शन लगाता है उसके हालात ज्यादा खराब है। इवन पेशेंट नशों को भी कंपेयर करते रहते हैं। शराब पीने वाला खुद को ज्यादा अच्छा समझता है उस शख्स से जो कि हेरोइन करता है, हेरोइन करने वाला खुद को थोड़ा बेटर कंसिडर करता है उस शख्स से जो कि अभी घर के अंदर है और घर से बाहर अभी घर वालों ने नहीं निकाला हुआ। इसी तरह से जो चर्स पीने वाले हैं वो खुद को ज्यादा बेहतर समझते हैं हीरोइन करने वालों से या कोकेन करने वालों से। सो ये सिलसिला जो है ये कहीं पे भी रुकने वाला नहीं है, अनटिल अनलेस किसी की डेथ हो जाए तो तभी ये सिलसिला रुकने की तरफ जाएगा। सो ये कंपेरिजन जो है चलता रहता है। दरहकीकत बात यह है कि जब भी कोई शख्स नशे का मरीज होता है और वो स्मोकिंग भी कर रहा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी अल्कोहल पीने वाले हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते या वो छोड़ चुके होते हैं, सिर्फ शराब के नशे ही कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर मरीज हमारे पास जो आते हैं वो नशों के साथ साथ सिगरेट भी काफी बड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि सिगरेट के हवाले से भी उनका जो यूज है वो एडिक्टिव होता है तो ये गलत नहीं होगा। जब मरीज नशे का इलाज करवा लेता है तो उसको ये बताया जाता है कि चूंकि अब आपके जिस्म के अंदर ये डिजीज डिवेलप हो चुकी हुई है, जब भी आप नशा करेंगे ये खराबी की तरफ ही आपको लेकर जाएगा। नशे की बीमारी जो है ये प्रोग्रेसिव भी इन नेचर है, सो अब आपको पहले जितने साल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा अपनी जिंदगी खराब करने के लिए, बल्कि आप विद इन डेज पहले से बड़ी मिकदार में नशा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और पहले से ज्यादा डैमेजेस का सामना आपको करना पड़ेगा। सिगरेट के बारे में चीज ये है कि कुछ पेशेंट सिगरेट के साथ अपनी रिकवरी को सम हाउ मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं या वो रख सकते होते हैं, लेकिन सारे पेशेंट ऐसा नहीं कर सकते। सो जब हम एब्सटिनेंस की बात करते हैं तो साइंस भी यही कहती है, इंटरनेशनल जो इदारे हैं ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के ऊपर वो भी यही कहते हैं कि एब्सटिनेंस से मुराद है हर तरह के मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स को छोड़ना, इंक्लूडिंग सिगरेट्स, इंक्लूडिंग प्रिस्क्रिप्शन पिल्स जो हैं, वो भी आपका मूड ऑल्टर करती हैं, तो उन्हें भी आपने नो नो कहना है, उनके साथ भी आप नहीं कैरी कर सकते। सो ये डिलेमा अभी काफी ट्रीटमेंट मॉडल्स के अंदर भी है, ट्रीटमेंट सेंटर्स के अंदर भी है, इसके अलावा उन लोगों के अंदर भी जो कि रिकवरी की बहुत सारी मूवमेंट्स के साथ मुंसलिक हैं। ये डिलेमा बहरहाल अभी है कि सिगरेट को कैरी किया जा सकता है और अगर आप रिकवरी में रहना चाहते हैं तो नशे ना करें, लेकिन सिगरेट पीकर आप थोड़ा बहुत अपने दिल को तसल्ली दिए रखें और अपनी जिंदगी को मुस्बत बनाने का सफर रख सकते हैं जारी। बहुत सारे पेशेंट रख भी सकते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में एक बहुत बड़ी तादाद उन पेशेंट्स की है जो कि सिगरेट के साथ भी सस्टेन नहीं कर सकते और वो अल्टीमेटली वापस
नशों की तरफ जाते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि जैसे बहुत सारे लोगों से नेशनली इंटरनेशनली मेरी मुलाकात होती रहती है जो कि नशे की बीमारी में मुब्तला थे और अब ना सिर्फ उन्होंने नशों को छोड़ा बल्कि सिगरेट को भी छोड़ा और अपनी जिंदगियां बेहतर बना ली। ऐसे लोग जो कि 20 ईयर्स की रिकवरी को एंजॉय कर रहे हैं, 30 ईयर्स की रिकवरी को एंजॉय कर रहे हैं, इवन 45 ईयर्स की रिकवरी को एंजॉय कर रहे हैं, देखने में यही आता है कि वो लोग कहीं ना कहीं ये फैसला आगे बढ़ के लाइफ में जरूर करते हैं कि उन्होंने सिगरेट भी छोड़ना है और सिगरेट भी नहीं पीना। और वही लोग जो है वो अपनी रिकवरी को फिर सस्टेन करने में कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन जो लोग समहाउ सिगरेट नशे छोड़ने के बाद रिकवरी के अंदर अगर रहना चाहते हैं और वो सिगरेट का शुगल भी साथ जारी रखना चाहते हैं, अगर लाइफ में आगे बढ़कर वो ये फैसला नहीं करते कि उन्होंने सिगरेट छोड़ना है, तो फिर 10 साल के बाद भी वो वापस नशों की तरफ जा सकते हैं, 15 साल के बाद भी वो वापस नशों की तरफ जा सकते हैं। सो जल्द या बदेर उन्हें ये फैसला करना ही पड़ता है कि सिगरेट के साथ उनका गुजारा नहीं है। अगर वो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली नशों की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो खुला ही रहता है। हम यूजुअली अपने इस प्लेटफॉर्म से ये प्रमोट करते हैं कि तमाम मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स के अंदर सिगरेट भी शामिल है, प्रिस्क्रिप्शन पिल्स भी शामिल हैं। सो आपने इन तमाम चीजों को छोड़ना है अगर आप अपनी रिकवरी को जिंदगी भर की रिकवरी बनाना चाहते हैं और जिंदगी में बेहतर लम्हात इंजॉय करना चाहते हैं। सो बुनियादी फैक्टर स्ट्रेस को पहचाने, स्ट्रेस को वेंटिलेट किया जाता है, यानी चीजों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ख्यालात को ये मत समझें कि वो कोई गलत है और उन्हें अपने अंदर रखें, बल्कि किसी ऐसे शख्स के साथ आप शेयर कर दें जो आपका कॉन्फिडेंट है, जिसके बारे में आपको यह पक्का यकीन है कि जो भी बात आप उससे कहेंगे वो आपकी बात की हिफाजत करेगा और उसको अमानत समझेगा आपकी और आगे वो किसी के साथ नहीं करेगा। वेंटिलेट करें उसको, उसको वर्बलाइज करें, फीलिंग्स जो एग्जैक्ट हैं उन्हें एक्सप्लेन कर दें, चाहे वो अच्छी हैं, बुरी हैं, जिस भी नोयत की हैं। अगर आपको कोई शख्स नहीं मिल सकता तो आप एक डायरी पकड़ें और उसके अंदर अपनी तमाम फीलिंग्स को लिखना शुरू कर दें। लिखने के बाद उस डायरी को ड्रॉअर के अंदर रख दें और सुबह बेशक आप उठ के तो उन्हें निकाल के फाड़ दें, वो सारी चीजें आप उस पेज के ऊपर डाल दें जो भी आपके अंदर चल रही हैं। दूसरी चीज के अपनी नींद का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। 8 घंटे की नींद जो है वो हर रोज हर शख्स को लेने की जरूरत है। आपको खुद पता चलता है कि मुझे 8 घंटे की नींद के बाद क्या मैं फ्रेश सुबह उठता हूँ या मैं 9 घंटे की नींद के बाद सुबह फ्रेश उठता हूँ। यूजुअली टीनएजर्स को 9 आवर्स की नींद की जरूरत होती है, जबकि एडल्ट्स जो हमारे जैसे लोग हैं उन्हें 8 घंटों की नींद की जरूरत होती है। सो नींद पे कभी भी कम्प्रोमाइज ना करें। नींद की कमी की वजह से मुख्तलिफ जो नफसियाती अमराज हैं उन्हें पनपने का मौका मिलता है। दूसरी अहम चीज है कि अपने खाने पीने का ख्याल रखें। खाने पीने से मेरी मुराद है कि 5 मील हर रोज आप हर 4 घंटे के बाद लेने की तरफ जाएं और कैलोरी जो है वो उसकी 1800 से, अगर आप खातून हैं 1800 से ज्यादा कैलोरी नहीं होनी चाहिए, अगर मर्द हजरात हैं तो उनकी जो 2200 कैलोरीज हैं उसके अंदर रह के उन्हें अपनी खुराक जो है वो लेने की तरफ जाएं। खाने में फ्राइड चीजें इस्तेमाल ना करें, फिजी ड्रिंक्स इस्तेमाल ना करें, पोटैटो चिप्स जो है वो इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो जंक फूड है उसकी तरफ ना जाएं, बल्कि घर का बना हुआ खाना जो है वो साफ सुथरा है, अच्छा खाना रखें। मसाले बहुत ज्यादा खानों में इस्तेमाल ना करें, ऑयल बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, महदूद सी क्वांटिटी के अंदर जो है वो अपने खाने को जितना आप सिंपल और हेल्दी बनाएंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा तीसरी चीज है पानी, पानी बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर पिएं। चौथी अहम चीज है एक्सरसाइज, हर रोज 30 मिनट वॉक जो है वो अपने ऊपर वैसे ही फर्ज कर लें जैसे आप हर रोज खाना खाते हैं। 30 मिनट वॉक अगर आप हर रोज करते हैं तो ये वॉक ना सिर्फ आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो आपकी बॉडी के अंदर हर रोज बन रहे हैं बगैर किसी वजह के, उन्हें ना सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन्स को इंडोरफिन्स जो है वो इनगल्फ करते हैं, खा जाते हैं, बल्कि आपको अच्छा महसूस करने में भी हेल्प देते हैं। सो वॉक जो है उसको भी रखें। इसके अलावा कोई ना कोई किताब मुस्बत सोचों के बारे में पढ़ते रहा करें, अपनी थॉट को जरूर एवेल्युएट करते रहा करें। अगर आप आवरली बेसिस पे अपनी थॉट को एवेल्युएट करते हैं कि जो सोच आप सोच रहे हैं इस वक्त क्या वो मनफी है या मुस्बत है, अगर तो मुस्बत है तो क्या जो प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में हैं, जो मसाइल आपके हाथ में हैं,
क्या ये पॉजिटिवली उसको हल करने में मदद देती है? अगर मदद नहीं देती तो उस थॉट को फिर मत एंटरटेन करें, उस थॉट को मत सोचें, बल्कि कोई नई थॉट बनाएं जो कि आपके उस उन मसाइल को हल करने में आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हो। सो अपने जहन को अपनी फेवर में इस्तेमाल करना सीखें, अकल का यही तकाजा है। लेकिन अगर आप बहुत जहीन फतीन हैं लेकिन आप मसाइल को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जहानत को अपनी फेवर में इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। सो लाइफ स्टाइल के अंदर अपनी वर्जिश, खाने पीने का ख्याल, पानी, इसके अलावा अपनी नींद के ऊपर कंप्रोमाइज ना करें, और अकल की बातें जो है वो सीखते रहें, चाहे आप किसी किताब से सीखें, चाहे आप कुछ ऐसे लोगों की सोबत में बैठ के सीखें जो आपके मुताबिक ज्यादा अकल रखते हैं, एज में ज्यादा बड़े हैं और ऐसी चीजें उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो उनके साथ अगर आप उठते बैठते हैं और अपने मसले को खास तौर पर पहचानें, उसके हवाले से देखें कि कौन सी स्किल्स ऐसी आपको दरकार हैं जो कि उस मसले को मैनेज करने में हेल्प कर सकती हैं, सो उन्हें सीखने की तरफ जाएं और मसाइल को हल करें।